पांच सर्जरीज होंगी, क्योंकि मेरी जवाओं ने भी इशू है, मेरी आइज ने भी ग्रेप डलना है, और मेरी जो दिमाग से जो गेंस आ रही हैं एक्सप्रेशंस की, उनके दीदी उन्होंने कहा है कि ऑपरेट होगा। एक्चुअली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी दशन से लेके अभी तक के मैं ना एक्सप्रेशन लेस रही हूँ, स्माइलिंग नहीं आती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं ना ब्राइडल बनूँ, अपनी जैसी जो मेरी जैसी बच्चियाँ हैं उनके लिए एक नया एक्सेप्टेंस बनूँ, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं बनूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फातिमा तो ज़हरा से आपकी सोशल मीडिया के ज़रिए मुलाकात हो चुकी है, बहुत से लोगों ने इनकी इमोशनल स्टोरी देखी, बहुत से लोगों ने इनको बेचारी के तौर पे भी दिखाया, और बहुत से लोगों ने ये भी दिखाया कि शायद फातिमा जो है वो कोई फिजिकली नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैं एक ऐसी फातिमा से मिली जिनके हौसले इतने बुलंद थे कि मैं हैरान हो गई इनसे मिलके, और मुझे ये लग रहा था वीडियोस देखने के बाद कि शायद ये कोई अब नॉर्मलिटी का शिकार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फातिमा ना सिर्फ जो है वो बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं, यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, बल्कि ये बहुत लोगों के लिए स्ट्रेंथ भी बनी हुई है, मोटिवेशन इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आज हम इनका वो रूप देखेंगे जो बहुत से लोगों ने आपको नहीं दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग तो ये दिखाते हैं कि भाई फातिमा शायद बहुत कमज़ोर है, लेकिन आज मेरी जब मुलाकात हुई और हम साथ आ रहे थे तो मुझे तो बहुत स्ट्रांग लगी हैं आप। बिकॉज मुझे पहले लोग सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन ऑन मीडिया जब मैं फर्स्ट प्रिंट पेज पर आई हूँ तो तब से ना मुझे लोगों का इतना प्यार मिला है कि मुझे उनकी वजह से इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं दुनिया को फेस कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अचीव कर सकती हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं नीचे तरस ना खाया जाए, बल्कि मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मैं आगे से आगे बढ़ूँ। और ये जितनी भी अगर मुझे आज एनर्जी है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो मुझे मेरा यूट्यूब पे जो फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, सिर्फ उनकी वजह से। अदरवाइज मैं इस जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तब से लेके अब तक जो जर्नी मेरी गुजरी है ना, उसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मैं अब चाहती हूँ कि मैं अपनी जैसी जो मेरी जैसी बच्चियाँ हैं उनके लिए एक नया एक्सेप्टेंस बनूँ, मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनूँ, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं बनूँगी। अच्छा, इंटरव्यूज़ देने के बाद, फेमस होने के बाद, अब बहुत से लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, कोई जॉब्स ऑफर कर रहा है, कोई शूट्स ऑफर कर रहा है, वो क्या कहानी है? एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा शूट्स ऑफर हो रहे हैं कि आप हमें ब्राइडल शूट कर रहे हैं, हम ऐसा ब्राइडल शावर कर रहे हैं, मेरे दो और ट्रैवल कंसल्टेंट की भी मुझे जॉब की ऑफर हुई। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जॉब के इलावा ना मेरा जॉब ना करूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना बिजनेस करूँ, जैसे कि यूट्यूब पे मैं अपने व्लॉग्स डाला करूँ, लोग मुझे जैसे अभी तैयार कर रहे हैं इससे ज़्यादा तैयार करें, ताकि मैं उन बच्चों के लिए कोई इस तरह का NGO बना सकूँ जो मेरे जैसी बच्चियाँ हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको लोग नहीं समझते ना, उनको अंडरस्टैंड करते हैं उन पर क्या गुजरती है और क्या नहीं, मैं उनके लिए मोटिवेशन बनूँ, उनकी आवाज़ बनूँ। और इन सब मैंने ये भी सोचा हुआ है कि मैं आहिस्ता 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 लोगों की उस जो लोगों की शायद आवाज़ नहीं सुनी जाती, सोशल मीडिया तक नहीं जाया जाते, मैं उन लोगों तक भी पहुँची और उन लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया तक लेकर जाऊँ। ज़बरदस्त, अब तो आप बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गई हैं। अच्छा, वैसे तो बहुत से लोगों को पता है कि आपका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन का इशू है, क्या इस चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद है? आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, क्या इलाज की तरफ जाएंगी आप? जी बिल्कुल, मैं इलाज की तरफ जाऊंगी और मैंने टेस्ट वगैरह करवा रही हूँ, अभी सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, ये पाँच सर्जरीज होंगी, क्योंकि मेरी जवाओं ने भी इशू है, मेरी आइज ने भी ग्रेप डलना है, और मेरी जो दिमाग से जो गेंस आ रही हैं एक्सप्रेशंस की, उनके दीदी उन्होंने कहा है कि ऑपरेट होगा, सर्जरीज होंगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपको काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं चाह रही हूँ मैं उस टाइम में फ्री नहीं रहूँ, मैं सिर्फ इलाज को नहीं देखूँ कि इलाज कब होगा, मैं उसके बाद कुछ करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अब हूँ, जैसी दी हूँ, जैसे लोगों ने मुझे कबूल किया है, तो मैं इसी तरह आगे इंशाल्लाह धरती रहूँ और लोगों के लिए एक मोटिवेशन आवाज़ बनूँ, और लोगों को बताऊँ कि देखें अगर मुझे कमियाँ हैं तो अगर मैं जी रही हूँ, अगर मैं आज लोगों की वजह से एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर वीडियोस डाल रही हूँ, उस पर अपनी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इस बिकॉज ऑफ के आप लोगों की वजह से, तो मैं इसको ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो वो मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, मुझे तैयार करें, और मेरी इलाज के लिए जो मेरा एस्टिमेट जो आ रहा है, अमाउंट आ रही है, वो 7 to 8 million है, तो मैं चाहती हूँ अगर लोग जो साहिदे हसीयत हैं जो डोनेट कर सकते हैं वो काइंडली मुझे डोनेट करें ताकि मेरी हेल्प हो सके मेरी इलाज के लिए। ज़बरदस्त, फातिमा मुझे बताएं कि
कि जब सब धुतकारते थे और अकेला अकेला फील होता था, लेकिन अब इतना प्यार मिलता है। कोई ऐसी बचपन की ख्वाहिश जो समझती थी कि पूरी होनी चाहिए, अब पूरी हो रही हो या आगे पूरी करना चाहती हैं? एक्चुअली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बचपन से लेके अभी तक के मैं ना एक्सप्रेशनलेस रही हूँ, स्माइलिंग नहीं आती थी। तो मैं चाहती थी कि मैं ना ब्राइडल बनूँ, मेरा ब्राइडल शूट हो, जैसे लड़कियाँ हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, उनको लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो आज जब मैं वीडियो ते रेस्टोरेंट पेज पर आई हूँ तो लोग मुझे वही प्यार दे रहे हैं जो उनको दे रहे हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे ना एक ख्वाहिश और अचीवमेंट मुझे ये लगती है कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो मुझे कॉल आई थी एक सैलून से, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने मुझे शूट्स ऑफ़र किए हैं। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, और मैं अपने जो भी यूट्यूबर जिस मतलब जिन्होंने फॉलो किया है उनको मैं बताऊँगी कि मैं इस लुक में भी कैसी लगूँ, और लोग मुझे बताएं कि मैं ब्राइडल शूट करूँ या ना करूँ। और अगर कोई सैलून वाले अगर वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर वो मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नंबर इनके पास मौजूद होगा, आप ले लीजिएगा और मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो हम ब्राइडल शूट भी मैं इंशाल्लाह करूँगी। थैंक यू सो मच फातिमा। लास्ट पे बस ये बता दीजिएगा कि फ्यूचर में क्या बनने का ख्वाब है? अभी तो आपने इंटर किया हुआ है, आगे पढ़ना है, कुछ बनना है? एक्चुअली मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे पढ़ूंगी और मैं जो यूट्यूबर बनूँ, यूट्यूबर के साथ साथ मैं NGO भी रन करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं NGO बनाऊँगी अपनी जैसी बच्चियों के लिए, और उनके लिए मैं मोटिवेशन बनूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये थी फातिमा, और यकीनन इनसे मिलके आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है और यकीनन आप लोगों को भी मिली होगी। तो एंड पे रिक्वेस्ट है कि फातिमा को ज़रूर सपोर्ट करें।